नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी होंगे अच्छे और फिट, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, क्योंकि अभी जो मौसम है वो चेंज हो रहा है और ज़्यादातर वायरल लोगों को हो रहे हैं। तो अपने सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि जब आप हेल्दी होंगे तभी अच्छे से आप पढ़ाई कर पाएंगे। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है 10th क्लास का जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो लेसन है, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हम बात करेंगे, जो कि सितंबर हाफ ईयरली टेस्ट के अंदर आपका आएगा। इसमें से क्वेश्चन आएंगे आपके, तो इसको अच्छे से इस वीडियो को आप देखें, और वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आइए हम बात करते हैं अब लेसन के बारे में, चलें लेसन की तरफ। तो आपको स्क्रीन के ऊपर आपको साथ के साथ मैं लेसन दिखा देती हूँ ताकि आपको बच्चों को पढ़ने में आसानी हो, और साथ के साथ जब बच्चे देख के और जब सुनते हैं तो उनको ज़्यादा समझ आता है। तो आइए चलते हैं, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लेसन का नाम दिया गया है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट होता क्या है? अब हम बहुत बार सुनते हैं कि टाइम टेबल बनाओ, स्कूल के अंदर भी देखा होगा आपने हर एक पीरियड का टाइम टेबल बना होता है। अगर टाइम टेबल ना हो स्कूल के अंदर तो कोई एक घंटे की क्लास लेगा, कोई आधे घंटे की क्लास लेगा, कोई क्लास लेगा ही नहीं, तो हो गया ना गड़बड़। तो हर एक चीज़ की टाइम टेबल होनी बहुत ज़रूरी होती है। टाइम मैनेजमेंट हम किस लिए करते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन के अंदर बहुत सारे कार्य करते हैं, और इन कार्यों को करने के लिए हम अपने पूरे दिन के थोड़े थोड़े भाग को उनके लिए खर्च करते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम देते हैं हर एक काम के लिए, ठीक है। और अगर प्लानिंग के साथ टाइम टेबल के हिसाब से अगर कोई काम करते हैं हम, तो वो एक टाइम मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। बिना टाइम मैनेजमेंट के हम किसी भी चीज़ को आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते, टाइम पे प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। माइंड हमारा कभी रिलैक्स नहीं होता, टाइम से काम करेंगे तो हम टेंशन फ्री भी रहेंगे। तो अब बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट के क्या इम्पोर्टेंस हैं, फ़ायदे क्या होते हैं, क्यों महत्वपूर्ण है। तो टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए कई चीज़ों में सहायता करता है, जैसे कि टाइम टेबल बनाने से या टाइम मैनेजमेंट बना के काम करने से जो हमारा समय होता है वो उचित समय लगता है, मतलब हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। हम पहले से अगर सोच के चलेंगे कि मुझे इंग्लिश पीरियड को 45 मिनट देने हैं, मुझे हिंदी को आधा घंटा देना है, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से आपको लगता है जो चीज़ ज़रूरी है उसको ज़्यादा टाइम दें, जो चीज़ लगती है आपको ज़्यादा टाइम तैयारी करने की ज़रूरत है, जो आपको मुश्किल लगती है तो आप उसको ज़्यादा टाइम देंगे, जो आपके लिए ईजी है कि मैं थोड़े टाइम में भी इसको कवर कर लूँगा तो उसके लिए कम टाइम देंगे। तो जब आप टाइम टेबल बनाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जैसे आप देखेंगे कि मेरा तो 10:45 तक ये टाइम पूरा हो गया, तो आप उस बुक को रखेंगे, दूसरा काम उठाएंगे, ठीक है। तो हम टाइम से कर सकते हैं। उसके बाद दैनिक जो डेली का टाइम टेबल होता है उसको बनाने में भी हमें हेल्प मिलती है, ठीक। इससे हमें कोई भी काम कितने टाइम में पूरा करना है इसका अंदाज़ा भी हम आसानी से लगा सकते हैं। होमवर्क हो चाहे असाइनमेंट हो वो हम टाइम पे जमा करवा सकते हैं, ठीक है। टाइम पे अगर हम काम पूरा करेंगे तो, और टाइम पे काम करने से जो हमारा ध्यान होता है वो लक्ष्य के ऊपर, हमारे गोल के ऊपर केंद्रित होता है, फोकस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हाउ टू मेक इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट को हम जो हमारे लिए कैसे इफ़ेक्टिव होता है, कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं हम। सबसे पहला तो हम अगर बात करें कि कैसे हम इफ़ेक्टिव बनाएंगे टाइम मैनेजमेंट को, तो कोई भी अगर हमारे पास काम हो, ठीक है, पूर्व नियोजित कार्यों को टाले नहीं, उन्हें समय पर ख़त्म कर लें। अगर कोई भी आपके पास पहले से कोई काम है तो उसको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगला काम आ गया उसको मैं रहने देता हूँ, छोड़ देता हूँ, नहीं, पहले आप उसको पूरा करें टाइम पे, ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट काम करें। अपने रूम के अंदर जो भी आपकी रूम है, जो आपकी किताबें हैं, उनको अच्छे तरीके से व्यवस्थित रखें। ऐसा ना हो कि कहीं इधर उधर बिखरी है, आपको एक बुक ढूंढने के लिए सारी बुक ढूंढनी पड़े, इधर उधर ढूंढना पड़े, तो उनको अपने हिसाब से अकॉर्डिंग अच्छे से व्यवस्थित करके रखें। घर हो चाहे ऑफिस हो, जहाँ पे आपको काम करना है, जहाँ पे आपको स्टडी करनी है, वहाँ पे नो डिस्टर्बेंस जोन्स बनाएं, जहाँ पे आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से काम कर सकें, आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, ठीक है। जो भी बीच बीच में आप थोड़ा रिलैक्स होने के लिए अपना टाइम निकालते हैं उसका अच्छे से प्रयोग करें,
ठीक है। आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कोई भी म्यूजिक सुन सकते हैं, कोई न्यूज़ देख सकते हैं, जिससे आपको लगता है कि आपका माइंड फ्रेश होता है। तो जो भी बीच में टाइम निकले उसको वेस्ट ना करें, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए करें। टू डू लिस्ट मतलब अपने कामों की लिस्ट बनाएं कि कौन सा काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कि कौन सा काम आप कल भी कर सकते हैं। जो आज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कल मैंने किया तो बड़े देर हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। तो आप लिस्ट बनाएं और लिस्ट के हिसाब से आप अपने काम कंप्लीट करें। तो शाम को जब आप देखेंगे लिस्ट में और टिक करते जाएं इनके ऊपर जो भी काम करते जाएं, तो शाम को आप लिस्ट देखेंगे तो आपको बड़ा ही अच्छा फील होगा कि वाओ मैंने इतने सारे काम कंप्लीट कर लिए, और माइंड हमारा बड़ा ही रिलैक्स हो जाता है, हम हैप्पी मूड में हो जाते हैं। कार्यों की वरीयता बनाएं, मतलब वही चीज़ है जो मैंने बताई कि इम्पोर्टेंस के हिसाब से काम को हम देखें कि पहले कौन सा ज़रूरी है, उस हिसाब से लिस्ट में उसको पहले नंबर पे रखें, जो हमारा थोड़ा सा कम ज़रूरी है उसको सेकंड पे रखें, ठीक है। इस प्रकार से हम करें। बेकार के कामों में अपना टाइम कभी भी ख़राब ना करें। हम देखते कई लोग बोलते हैं कुछ भी काम हो ना, अरे ये काम करोगे, अरे भाई मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। कहीं फ़ोन करें, अरे बस आजकल तो टाइम ही नहीं मिलता। और टाइम अगर पूछो क्या काम करते हैं, तो काम भी कुछ नहीं करते भाई, इधर उधर के कामों के अंदर, इधर उधर की बातों के अंदर अपना टाइम वो वेस्ट करते हैं, फिर भी उनको टाइम नहीं मिल पाता, बड़े दुर्भाग्य की बात है। अब हम बात करेंगे कि फोर स्टेप्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट, चार आपको स्टेप बनाएंगे जिसके द्वारा आप अपने टाइम मैनेजमेंट को इफेक्टिव और अच्छा बना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला स्टेप हम बात करें ऑर्गेनाइज, मतलब ऑर्गेनाइज आपने सुना होगा वर्ड कि किसी भी चीज़ को व्यवस्थित करना, ठीक है। प्रभावी समय प्रबंधन के लिए अपने कार्यों तथा गतिविधियों की अच्छे प्रकार से प्लानिंग करनी चाहिए। इसके लिए टाइम टेबल बनाया जा सकता है, आसपास की वस्तुओं को व्यवस्थित करके रखें तथा वस्तुओं का उपयोग करके उन्हें उनके स्थान पर वापस रख दें। इससे समय की भी बचत होती है और हमारी हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज हो जाती है, व्यवस्थित भी हो जाती है। दूसरा आता है प्रायोरिटीज़, मतलब वो जो हमने पहले बात की थी कि जो भी काम प्रायोरिटी जिनकी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो काम है उनके हिसाब से हमें लिस्ट बनानी चाहिए। जो काम इम्पोर्टेंट है वो हमें पहले करना चाहिए, जो कम इम्पोर्टेंट है उसको हम बाद में कर सकते हैं। उससे हमें पता लग जाएगा कि हमें कौन कौन से हमारे काम बच गए हैं लिस्ट बनाने से और कौन सा मेरा काम हो गया है। तो तीसरा हम स्टेप अपना सकते हैं कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण, मतलब अपने टाइम मैनेजमेंट को अच्छा बनाने के लिए हमें अपने जो फालतू के जो काम हैं उन पे नियंत्रण करना चाहिए। बेकार की बातचीत में जो समय हम बर्बाद कर देते हैं, व्यर्थ कर देते हैं, उन पे कंट्रोल करना चाहिए। इधर उधर घूमने में टाइम वेस्ट करते हैं, उन पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। फोर्थ और लास्ट जो हमारा स्टेप था वो है हमारा ट्रेस। ट्रेस मतलब ऐसे बोलते हैं ट्रेसिंग, ट्रेसिंग पे फ़ोन लगा रखा है, मतलब हमने हमारी नज़र पूरी तरीके से है। तो ट्रेस का मतलब होता है नज़र रखना, हमने अपना समय कहाँ कहाँ पे उपयोग किया है, हमारी पूरी नज़र होनी चाहिए, पूरा ध्यान होना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। हम अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं या नहीं करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं या नहीं देते हैं, वो भी हमारी पूरी नज़र होनी चाहिए, तभी हम अच्छे से किसी काम को कर पाएंगे। तो इन स्टेप्स को अपना के आप अच्छे से अपना टाइम मैनेजमेंट जो है उसको और भी अच्छा महत्वपूर्ण बना सकते हैं। तो ये आपका छोटा सा लेसन था। अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। होम असाइनमेंट है ये, तो आप अच्छे से जवाब दे पाएंगे। जैसे कि एक सफल जीवन में समय प्रबंधन की क्या भूमिका है, कि अगर हमें अपने जीवन को सक्सेस बनाना है तो उसमें टाइम मैनेजमेंट का क्या रोल है, हम बता सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट के क्या फ़ायदे होते हैं वो भी हम बता सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट अच्छा बनाने के लिए क्या करना चाहिए, अभी जो चार स्टेप हमने पढ़े थे, ऑर्गेनाइज, प्रायोरिटीज, कंट्रोल, प्रेस, तो इस प्रकार से हम इन स्टेप्स का यूज़ करके अपने टाइम टेबल को क्या बना सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं। व्यवस्थित दिनचर्या समय प्रबंधन में किस प्रकार सहायक है, ठीक है। अगर हम ऑर्गेनाइज करके चलते हैं सभी चीज़ों को तो वो हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट होता है वो हमें बताना है। टाइम मैनेजमेंट के बिना किसी लक्ष्य को प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है, तो वो हमें बताना है कि बिना टाइम मैनेजमेंट के हम कोई भी काम ठीक से क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें कुछ मल्टीपल क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा आपकी समय प्रबंधन में सबसे ज़्यादा सहायता कर सकता है, तो टॉकिंग टू फ्रेंड्स रॉन्ग आंसर, मेकिंग टू डू लिस्ट हाँ ये हम बता सकते हैं, डोंट मिसिंग प्ले टाइम, वॉचिंग मूवी नो, इसमें से राइट आंसर क्या है, मेकिंग टू डू लिस्ट।
अगर हम लिस्ट बना के कोई भी काम करेंगे तो सबसे ज़्यादा सहायता करता है वो हमारे टाइम मैनेजमेंट में। दूसरा आता है टाइम ट्रेसिंग से कैसे सहायता मिलती है, टाइम ट्रैकिंग से कैसे सहायता मिलती है। तो वी कैन स्टे फोकस, वी कैन शो एवरीवन हाउ हार्ड वी आर वर्किंग, वी आर अंडरस्टैंड वेयर वी आर स्पेंडिंग आवर टाइम एंड मैनेज आवर टाइम बेटर इफ नीडेड। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो टाइम ट्रैकिंग से क्या होता है, हमें पता लग जाता है कि हम कौन सा टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे हम अपना टाइम लगा रहे हैं वो ठीक लगा रहे हैं नहीं लगा रहे। तो राइट आंसर इज सी, वी कैन अंडरस्टैंड वेयर आर द स्पेंडिंग अवर टाइम, हम कहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये आप इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जैसे हम देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं कि दिन के समय को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न कार्यों के लिए बांटना क्या कहलाता है, टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। किसी उद्देश्य को समय पर प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, टाइम मैनेजमेंट है। टू डू लिस्ट क्या होती है, लिस्ट क्यों बनाते हैं, ताकि अपने कार्यों को हम अपने जो है प्रायोरिटी के हिसाब से उसको कर सकें। समय प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मतलब टाइम मैनेजमेंट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, कार्यों की लिस्ट बनाना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, थोड़े बड़े क्वेश्चन इनमें से भी आ सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट का अर्थ क्या है, वो हमने पढ़ा है। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है कि किसी भी कार्यों को ठीक से करने के लिए टाइम को बांट देना अलग अलग कार्यों के लिए, तो ये हम टाइम मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इससे हमारा टाइम पे हम काम को ख़त्म कर सकते हैं, दैनिक जो डेली टाइम टेबल बनाते हैं उसमें भी सहायक होता है ये। एक अच्छा टाइम टेबल बनाने के कुछ उपाय बताएं, हम टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करें, कामों की लिस्ट बनाएं, कामों हमारे जो भी कार्य होते हैं इंपॉर्टेंट उनको प्रायोरिटी दें, ठीक है। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के चार स्टेप बताइए। अब हमने पढ़ा था पीछे कि टाइम मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए चार स्टेप कौन से थे, ऑर्गेनाइज, कंट्रोल, प्रायोरिटीज, स्ट्रेस, यही था ना। समय प्रबंधन में समय पर नज़र रखना क्यों आवश्यक है, अगर टाइम मैनेजमेंट है तो उसमें हम टाइम पर क्यों नज़र रखते हैं, ताकि हमें पता लग सके कि जो भी हम काम करते हैं वो कहाँ पे हमने अपना जो टाइम है वेस्ट किया है, कहाँ कहाँ पे हमने टाइम को अच्छी जगह उपयोग किया है, ठीक है। लिस्ट के अकॉर्डिंग हम टाइम से ठीक काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। समय प्रबंधन में स्वयं नियंत्रण की भूमिका क्या है, टाइम टेबल के अंदर सेल्फ हम जो हमारा नियंत्रण होता है उसकी भूमिका क्या है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम अपनी जो भी गतिविधियां होती हैं डेली रूटीन के अंदर जो भी काम होते हैं उनके ऊपर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होता है। मान लो हम कहीं पे टाइम बातें करने लग जाएं, एक घंटा दो घंटा बैठे रहे बातें करते रहे, तो क्या है, वो टाइम वेस्ट ही हो रहा है। तो हमारा स्वयं के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल जिसको बोलते हैं, हमें पता होना चाहिए कि ये काम हम कर रहे हैं बिना बात का काम है, बेकार की बातें हैं, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो उनकी तरफ ध्यान ना देके अपने महत्वपूर्ण जो कार्य हैं उनकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, तभी आप लाइफ में सफल हो पाएंगे। तो ये था आज का हमारा लेसन टाइम मैनेजमेंट, और इसी के साथ जो है आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में सितंबर टेस्ट में जो जिसमें से आएंगे ये दोनों लेसन कंप्लीट हैं, इन्हीं में से पक्का आपके क्वेश्चन आएंगे, आप गारंटेड बात है। तो इनको आप अच्छे से इनको याद कीजिए, अच्छे से आप वीडियो को एक या दो बार देख लीजिए, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जनरल नॉलेज की बातें हैं, आपको डेली रूटीन में ये चीज़ें वैसे भी काम आएंगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।